ठीक है, तो हमने फोर्स करना है, फोर्स तो कल भी कर रहे थे। अच्छा चलिए, मुझे कौन बताएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, अच्छा चलो, पहले मुझे, मैं पहले नाम लेकर स्टूडेंट को बुला रही हूँ, देन आई विल आस्क माई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, फ्रॉम 8D सिमरनजीत, प्रेजेंट हो बेटा? चलिए Yes. आ जाइए फिर। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए मुझे एक बताइए, अगर आपके हाथ में एक एप्पल है और वो सडनली फॉल कर जाता है, तो कौन सा फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है? गिरेगा तो कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा। तो कौन सा फोर्स है यहाँ पर? विच फोर्स इज एक्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है? ग्रेविटी हाँ, माइक की तरफ देखकर बोल लो बेटा, माइक की तरफ। हाँ, ग्रेविटी फोर्स। ओके, क्यों है, रीजन भी बता दो मुझे बेटा, माइक की तरफ देख के बोल लो, मेरी तरफ मत देखो, आवाज नहीं क्लियर आ रही। गिरा हाँ तो क्या हुआ नीचे गिरने से? आपने बोला ग्रेविटी फोर्स, चलो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है, तो बट ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों है बताइए, किस किस को पता है? जस्ट रेज योर हैंड्स कि व्हाई दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आप चले जाइए बेटा सीट पे, गुड, जो भी आंसर दिया आपने। फ्रॉम 8B पर जोवन, 8B पर जोवन। हाँ जी बेटा, कैन यू गिव मी द रीजन? अर्थ हैज ग्रेविटी। ठीक है बच्चे, गो बैक टू योर सीट। देखो बेटा, कल हमने डिस्कस क्या किया था कि जब भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के साथ होगा, एक अर्थ हो आ जाए और एक कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उन दोनों में जो फोर्स होता है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, एनीवन एल्स? फ्रॉम 8A, 8A पवनदीप सिंह, 8A पवनदीप, प्रेजेंट है वो? आवाज नहीं आ रही, 8A आपकी? नो, योर माइक इज नॉट वर्किंग, क्लास 8A, प्लीज टीचर्स को बोलिए थोड़ा चेक करेंगे इस चीज को। नहीं, नहीं आ रही बेटा, हाथ में पकड़ने के बाद भी नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। चलिए, एनीवन एल्स? फ्रॉम 8B समनीत, 8B समनीत, प्रेजेंट है? हाँ यस जी बेटा, बताइए जरा मुझे, आ गए हो आप माइक के पास? ठीक है बेटा, यस तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके क्लास में दो बैग्स रखे हुए हैं, स्कूल बैग रखे हुए हैं, तो इज देयर एनी फोर्स बिटवीन देम? ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और क्यों है ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज द रीजन कि हम इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों बोल रहे हैं? मैं टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स है। टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो बेटा, ये तो हमारा हो गया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ यू ऑल नो दैट दो जो ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट होती है, दे आर ड्यू टू विच टाइप ऑफ फोर्स? ऑब्जेक्ट मूव कौन से फोर्सेस के कारण करता है, बैलेंस्ड फोर्सेस के कारण या अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण? अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण। बेटा अगर किसी ने बैलेंस्ड बोला है तो बीच में करेक्ट कर लीजिए, मैम ने अभी समझाया था, दो चीजें बैलेंस होगी तो मूवमेंट नहीं होगी। देखो अब इसको आप यहां से भी याद रख सकते हो, सपोज करो ये आपके पास एक वाटर का कंटेनर है, ठीक है, एक यहां पर भी कंटेनर है इस तरीके से, लेट अस से, यहां पर पानी यहां तक है, लेट अस से, ठीक है, और यहां पर पानी यहां पर भी सेम लेवल तक है, तो क्या वाटर मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए?
विल नॉट वॉटर मूव, नहीं नहीं क्लियर है, मूवमेंट नहीं हुई क्योंकि दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं, दोनों लेवल बैलेंस्ड हैं, द वॉटर विल नॉट मूव, ठीक है। बट अगर यहां से हम कुछ वाटर को कम कर दें, लेट अस से मैंने यहां से कुछ वाटर का अमाउंट कम कर दिया, तो अभी क्या होगा, सपोज करो यहां पर पानी इतना ही है, नाउ द वॉटर विल मूव और नॉट, यस जाएगा फ्रॉम ए टू बी, विल इट मूव फ्रॉम ए टू बी, यस ठीक है। तो मूवमेंट कब हुई, जब चीजें अनबैलेंस्ड हुई, राइट बेटा, कोई भी यस चीज होगी जब अनबैलेंस्ड चीजें होंगी, बैलेंस्ड अगर होंगी तो वो मूव नहीं करेंगी, ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर। चलिए, और अच्छा एक चीज और इसी में समझो, अगर मुझे इस वाटर फ्लो को स्टॉप करना हो तो भी क्या करना पड़ेगा, मुझे मूविंग ऑब्जेक्ट को, मूविंग वाटर को मुझे स्टॉप करना है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, चीज को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी पानी रुकेगा ना, फ्लो करना फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, है ना। तो मूवमेंट को रोकने के लिए या मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए दोनों ही मुझे क्या चीजें चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस चाहिए वहां पर। अगर बैलेंस्ड होगा तो मूविंग चीज क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और जो पहले से रुकी हुई चीज थी वो चलने लग जाएगी, समझ आई बेटा ये चीजें, क्लियर हुआ सबको, बताइए, ठीक यस है। यस अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक, द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हमने क्या करना है, अब स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नाउ ये टॉपिक आपका क्लास में हुआ है बेटा, फिर तो हम, फिर मैं आप ये, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने तरह के होते हैं, यस फ्रॉम एट्थ ई कौन बताएगा मुझे, कनुप्रिया, एट्थ ई कनुप्रिया, यस बेटा कम फास्ट, चलिए बताइए कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, माइक हाथ में पकड़ लो बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी, मैम हमें अभी कराया नहीं है मैम, आपको करवाया नहीं है, और कौन कौन से सेक्शंस में हो चुके हैं, बी बी में, ए में, सी, सी ओके चलिए, एनी हाउ थोड़ा सा एक बार रनिंग में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितनी टाइप के फोर्सेस होते हैं, बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव, फर्स्ट फोर्सेस हैं बेटा हमारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस, वी हैव कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड देन वी हैव, नॉन वेरी गुड, नॉन कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्ट, देन दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, मतलब जो जब दो चीजें टच में होगी दैट इज इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस में वी आर गोइंग टू स्टडी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस आ जाएंगे बेटा इसके अंदर, दो टाइप के, वन इज ग्रेविटेशनल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड सेकेंड इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सब आपको कल क्लियर हो गया है कि देखो ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा था, सपोज करो मैंने ये पेन था, अब ये नीचे क्यों गया था, कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल क्यों करता है नीचे, एक मिनट बेटा, वेट वेट वेट, मैंने थोड़ा ये गलत लिख दिया, ग्रेविटेशनल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मस्कुलर आएगा, आई एम सॉरी, दिस इज द मस्कुलर फोर्स, ये तो नॉन कॉन्टेक्ट में चला गया, और नॉन कॉन्टेक्ट की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा हमारे, बताइए, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस,
एक आ जाएगा मैग्नेटिक और लास्ट कौन सा चला जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स क्या होता है बताइए, मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं? वन मोर क्वेश्चन, क्या मस्कुलर फोर्स सिर्फ एक्सटर्नल है या ये इंटरनल भी है? क्या ये हमारी बॉडी के अंदर भी है या सिर्फ एक्सटर्नली? एक पानी की भरी हुई बाल्टी उठानी है तो आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, एक बुक है ठीक है, आप एक हल्की बुक है, एक हैवी बुक है आपके पास, एक लाइट वेट बुक है, तो कौन से बुक्स उठाने के लिए आपको ज्यादा मसल्स की जरूरत पड़ेगी? हैवी बुक की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या एक छोटा बच्चा, लाइक आप मान लो साल भर का एक बच्चा, वन ईयर का एक है बच्चा, क्या वो उस बुक को उठा सकता है? क्यों नहीं उठा पाएगा? क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि वो छोटा है अभी, है ना? छोटा है तो क्या हुआ कि उसके जो अभी मसल्स डेवलपमेंट थी वो उतनी ज्यादा नहीं हुई है जितनी आपकी और हमारी हो चुकी, राइट बेटा? इट मीन्स अगर उसके मसल्स हमारे जितने स्ट्रांग होते वन ईयर के किड के, तो वो भी वो बुक उठा लेता, राइट बेटा? तो मसल्स, हमारे मसल्स ऑल ओवर द बॉडी, वी हैव मसल्स। आप 9th क्लास में आओगे ना, आपको टाइप्स ऑफ मसल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। इवन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी देयर आर, वी हैव मसल्स, और हमारी बॉडी के अंदर भी मसल्स क्या काम करते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं बताऊंगी आपको कि कैसे काम कर रहे हैं। एक्सटर्नली तो आपको सबको पता है कि मैंने भार उठाना, कोई भी वेट उठाना है, कोई भी हैवी चीज उठानी है, तो मेरे मसल्स काम करेंगे। आप रनिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, इवन इफ यू आर राइटिंग, इफ यू, छोटे बच्चों को ज्यादा क्यों लिखवाया जाता है, प्रैक्टिस क्यों करवाती है? ताकि उनके जो हैंड मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है? जब आप छोटे होते हो तो ए बी सी डी लिखने में भी आपको टाइम लगता है, एक पेज फिल करने में ए बी सी डी से भी छोटे बच्चों को टाइम लगता है, क्योंकि वो स्लो लिखते हैं, उनके मसल्स डेवलप नहीं होते हैं। बट आप टीचर्स डिक्टेट करते हैं तो फटाफट लिखते हो ना सब कुछ, क्यों? क्योंकि हमारे हैंड्स के मसल्स डेवलप हो चुके हैं, राइट बेटा? क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से, हाँ जी बेटा बोलो, बोलिए, क्या कौन बोल रहा है? 8E। तो मसल्स हमारे जो है बेटा, दे आर एक्चुअली नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। आप बाल्टी उठा रहे हो तो आपकी तो स्किन कॉन्टेक्ट में आ रही है ना, बट मसल्स तो कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे, मेरे यहाँ पर मसल्स हैं, बट दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बकेट। बट स्टिल हम इनको कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्यों बोलते हैं? अगर देखा जाए तो मसल्स ने बाल्टी नहीं उठाई है, बकेट मसल्स ने नहीं उठाई, बकेट तो हमारे स्किन टच हुई उसमें, हैंड्स ने बकेट उठाई, स्टिल इनको हम कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्यों बोल रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? देखो कुछ तो कॉन्टेक्ट में लाना ही पड़ेगा ना, बकेट तो अपने आप नहीं उठेगी। मसल्स ने, मसल्स जो है ना वो हाथ को सिग्नल भेजते हैं, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, ब्रेन हमें हर चीज बताता है कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, हम टच करते हैं, इसकी स्मेल अच्छी है, ये वेनिला फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, हमारी नोज हमें बताती है, पता लग जाता है ना फटाफट स्मेल करके, आसो घर में राजमा चावल बने हैं पता चलते हैं, आज घर में कढ़ी बनी है पता लग जाते हैं, है ना? क्यों पता लगा? क्योंकि वो स्मेल हमारे नोज के थ्रू ब्रेन में जाती है और ब्रेन हमें बताता है। ऐसे हमारे मसल्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारे हैंड्स को, लेग्स को रन करने के लिए, हाथ को कुछ होल्ड करने के लिए हमारे मसल्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी तक तो आपने डेफिनेशन समझी थी, क्या कुछ नया समझा इसके अंदर? अब आपने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो मस्कुलर फोर्स है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना होकर भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे हाथों को, पैरों को, बॉडी को काम करने के लिए, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मस्कुलर फोर्स है ये हमारी बॉडी में कहां पर है?
कोई बताएगा? ये मस्कुलर फोर्स क्या हमारी बॉडी में भी है? बताइए, एनी एग्जाम्पल किसी को पता हो तो? नो. हमारा हार्ट किसका बना हुआ है, कौन बताएगा? किसका बना? अच्छा आ गया समझ, है ना? पूरा हार्ट हमारा मसल्स का बना हुआ है, और हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं. वेरी गुड, किसी ने आंसर दिया है मुझे. कार्डियक मसल. यस बेटा, तो ये भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है बेटा. हमारे हार्ट में जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना हमारा हार्ट बार बार, वहां पर क्या है, मसल्स काम कर रहे हैं. आप अपने हाथों को यहाँ पे ऐसे पकड़ कर देखो, पकड़ो जरा सभी. क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे 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 कुछ हो रही है, फ्लक्चुएशन सी, थोड़ा सा ऊपर से प्रॉपर, नो नहीं ढूंढनी हमने, ठीक है? हमने थोड़ा ऊपर से, जहां से देखो मैंने पकड़ा, जहां से थोड़ा सा थिक पार्ट होगा, मोटा मोटा सा होगा हाथ पे, वहां से पकड़ो. ऐसे लग रहा है कुछ फ्लक्चुएशंस हो रही है, हल्की हल्की सी. कहां पर ये फ्लक्चुएशंस होती है? जहां पर मसल्स काम करते हैं. ठीक है बच्चे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, हमारे डाइजेस्ट, हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं उस खाने को पुश करते हैं डाउनवर्ड जाने के लिए. ठीक है, वहां पर भी मसल्स हैं. ठीक है, ये लिखना है, लिख लो. मस्कुलर फोर्सेस इन आर बॉडी, ये लिख लो. पॉइंट ए, मस्कुलर फोर्सेस इन आर बॉडी. चलिए लिखिए. लेकिन बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट, बी ए, बीटिंग ऑफ हार्ट ड्यू टू कार्डियक मसल्स. बीटिंग ऑफ हार्ट ड्यू टू कार्डियक मसल्स. ठीक है, सेकेंड लिखिए, इन डाइजेशन या ड्यूरिंग डाइजेशन. इन डाइजेशन, अब डाइजेशन के टाइम क्या होते हैं? ड्यूरिंग डाइजेशन द मस्कुलर फोर्स, द मस्कुलर फोर्स पुशेस द फूड, द मस्क्यूलर फोर्स पुशेस द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या? माउथ में जैसे ही फूड डाला, एलिमेंट्री कैनाल का पाथ शुरू हो जाता है, एंड टिल द पार्ट ऑफ रिमूविंग, वो पूरा पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल में आता है. तो पूरे रास्ते में फूड को धक्का 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 लगाना पड़ता है कि आगे की तरफ जाए फूड हमारा. तो वो काम कौन करता है? हमारे मसल्स करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगता है वहां पर भी. ठीक है बच्चे, आया बेटा समझ? एक पॉइंट और है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, अब आपको सबने लिखिए, सबने डन. यस ये थर्ड पार्ट क्या कोई मुझे बताएगा क्यों? कौन बताएगा? आपको पता है ना, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स ऊपर की तरफ आते हैं, और जब हम रिलीज करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं. लेकर देखो, एक डीप ब्रीथ, सभी ऐसे लेकर देखो तो लंग्स आए ना ऊपर की तरफ.
और जब सांस छोड़ा आपने एक्सहेल किया एयर को, तो लंग्स नीचे की तरफ हो गए। अब ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। जब आप सांस खींच रहे हो तो लंग्स एक्सपैंड कर रही हैं, जब आप सांस छोड़ रहे हो एक्सहेल कर रहे हो एयर को, एट दैट टाइम लंग्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। व्हाई दिस इज हैपनिंग कौन बताएगा मुझे? सबने पढ़ रखा है ये पार्ट, सबने किया हुआ है। एनीवन फ्रॉम ऑल द सेक्शन, ऑल द सिक्स सेक्शंस? मेरे को सारे स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे, अगर किसने हैंड रेज किया हुआ है तो माइक के पास आ जाओ प्लीज। चलिए एनी हाउ, आप सबने पढ़ा है ये चीज, इस तरीके से हमारे लंग्स होते हैं। थोड़ा सा रफी डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये क्या होता है नीचे इनके? डायफ्राम। मस्कुलर, यही हेल्प करते हैं लंग्स को एक्सपैंड होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में। ठीक है, दिस पार्ट इज मस्कुलर। ओके बेटा, जब ये स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो लंग्स हमारे ज्यादा स्पेस मिल जाती है उनको, ताकि वो एयर ज्यादा ले सके। ठीक है, देखो अब ये सारे सब्जेक्ट रिलेटेड चल रहे हैं आपके, फिजिक्स पढ़ रहे थे और बायो पर पहुंच चुके हो आप। ठीक है, क्योंकि सभी जगह फिजिक्स हमारी बॉडी के अंदर भी अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर बाहर है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर जब ये फ्लैट हो जाएगा पार्ट, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर ये फ्लैट हो गया तो ये लंग्स का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ताकि वो ज्यादा एयर को इनहेल कर सके। राइट बेटा, तो ये मसल्स, मस्कुलर फोर्स इनसाइड आवर बॉडी इज आल्सो सिमिलरली वर्किंग जैसे कि वो बाहर काम कर। आई होप ये सबको समझ आ गया। कुछ पूछना चाहती हो बेटा इससे रिलेटेड? एनीथिंग रिलेटेड टू मस्कुलर फोर्स? क्या एनिमल्स में मसल्स होते हैं? बताइए पक्का होते हैं? तो वो तो उसमें तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें वेट उठाना होता है ना? डोंकी, हॉर्स, है ना, सबके अंदर, सबके अंदर मसल्स होते हैं। लाइन, उन्होंने भागना होता है बड़ा तेज। ठीक है, सबके अंदर, एवरी एनिमल हैज, वी आर आल्सो, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स। ठीक है, वी आर कैटेगराइज्ड अंडर एनिमल्स, हमारी कैटेगरी को ह्यूमन नाम दे दिया। ठीक है, किसी कैटेगरी को लायन नाम दे दिया, किसी को टाइगर दे दिया, किसी को कैट दे दिया, किसी को डॉग दे दिया, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। तो हमें कैटेगरी को, हमारी कैटेगरी है ह्यूमंस। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा है बेटा? सॉरी, कॉन्टेक्ट कर रहे थे ना अभी, तो हम तो कॉन्टेक्ट पढ़ रहे थे अभी। हमारा नेक्स्ट कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए अब मुझे ये बताइए, एक फ्लोर है जिसके ऊपर ऑयल गिरा हुआ है। ठीक है, आपके क्लास में फ्लोर पे कहीं पे कुछ गिर गया, किसी की सब्जी गिर गई, ऑयली थी काफी, और एक अच्छा सा ठीक ठाक फ्लोर है, बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं है, रफ भी नहीं है, ठीक ठाक है, जिसपे आप चल सकते हो आराम से। तो किस पर वॉक करना इजी होगा, ऑयली फ्लोर पे या जो विदाउट ऑयल फ्लोर है उसके ऊपर? विदाउट ऑयल, ऑयल वाले पे कैसा क्या हुआ? वो तो और स्मूथ हो गया, उस पे तो आपको भागना चाहिए था। क्या हुआ उसमें ऐसा? वो तो बल्कि और स्मूथ हो गया ऑयल गिरने से। ये किसी ने फील किया घर में कभी फ्लोर पे पानी गिर जाए, या स्कूल में कहीं पानी गिर, तो वहां पर थोड़ा सा बच के आराम से चलना पड़ता है, और अगर ड्राई हो तो हम भाग भी लेंगे वहां पर। ऐसा क्या डिफरेंस आ गया उस फ्लोर के ऊपर कि पानी गिरने के बाद आप स्लिप हो सकते हो, पानी जब नहीं गिरा हुआ था तो आप स्लिप नहीं हो रहे थे? क्या हो रहा ड्यू टू फ्रिक्शन है? ड्यू टू फ्रिक्शन, किसने बोला ये मुझे? एट पूरी 8th भी नहीं कि एक स्टूडेंट ने बोला? जिसने बोला वो जरा आगे आओ माइक, नाइन आ जाओ आ जाओ बेटा। योर आंसर इज राइट, यस आ जाओ आ जाओ, आ गए हो? यस मुझे दिख नहीं रहे हो ना? तो अच्छा मुझे बताइए, फ्रिक्शन में क्यों ऐसा, क्या हुआ फ्रिक्शन? पानी पानी बिकॉज फ्रिक्शन अपोज द ऑपोजिट फोर्स।
अपोज द ऑपोजिट फोर्स. ठीक है, आगे चलिए और बताइए और कुछ कारण. मैम बिकॉज ऑन अ फ्लोर विद वाटर ऑन इट इट बिकम्स स्लिपरी बिकॉज द फ्रिक्शन इज नॉट देयर. फ्रिक्शन इज नॉट देयर और फ्रिक्शन बिकम लेस. वेरी गुड. बट फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? गुड आंसर, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो. जो पॉइंट्स बता रहे हो दे आर वेरी गुड, दे आर एब्सोल्युटली राइट. अब फ्रिक्शन क्यों है? मैं तो कंपैरिजन पूछ रही हूँ कि पानी गिरने से ऐसा क्या हुआ कि आप स्लिप हो रहे हो, ऑयल गिरने से आप स्लिप हो रहे हो, बट वैसे नहीं हो रहे हो ड्राई फ्लोर के ऊपर. क्यों? मैम बिकॉज ड्राई फ्लोर पर फ्रिक्शन है जिसके कारण हमारे जो बूट्स होते हैं और वो रोड के साथ फ्रिक्शन हमें स्लो कर देती है, पर स्लिपरी फ्लोर पर फ्रिक्शन लेस हो जाती है तो हम उसके ऊपर स्लिप कर देते हैं. वेरी गुड. आई नो ये चीजें सबको पता होगी, बट नाउ वी गो इन टू द रीजन. अच्छा, आप ये मानते हो कि कोई भी सरफेस उतना स्मूथ नहीं होता जितना हमें दिखता है? क्या ये चीज मानते हो? उसके ऊपर पार्टिकल्स होंगे. मतलब जैसे ये सपोज मुझे फ्लोर एक्चुअली में ऐसा दिखे, क्या ये फ्लोर ऐसा ही होगा, इतना ही स्मूथ होगा? या अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें या इसको बड़ा जूम करके देखें तो क्या होगा? ऐसे 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 कुछ दिखेंगे इसके अंदर, जिगजैग ऐसा कुछ दिखेगा ना. ऐसा ऐसे ही आपके शू में भी होता है, आपके पैर में भी होगा. शू में क्यों? तो वहां पे मैं नाम स्किप हो गया, क्या बोलते हैं उनको, सोल्स के नीचे क्या आप बोलते हैं उनको, स्पाइक्स. ठीक है, जो स्पाइक्स होती हैं हमारे शूज की, उनको वो क्यों डीवो बनाई जाती है? ऐसे ऐसे कभी शू अगर प्लेन हो जाए तो आप स्लिप होने लग जाओगे नीचे से. अगर शूज बिल्कुल प्लेन हो जाए तो, प्लेन ना हो जब वो नए होते हैं तो आप स्लिप नहीं होते हो. अब क्या होता है जब आप यहाँ पर अपना पैर रखते हो ना बेटा, उस शूज में भी नीचे ऐसे ऐसे चीजें बनी होती हैं. अब ये चीजें कर जाती हैं इंटरलॉक, एक दूसरे में ऐसे फंस जाती हैं. बहुत ज्यादा नहीं फंसती हैं, ये तो मैं जूम वाली चीज का बता रही हूँ. जैसे अगर आप मोबाइल पे किसी पिक्चर को जूम कर दो, बड़ा कर, छोटा होगा तो फेस बड़ा क्लियर दिख रहा होगा, बट उसी पिक्चर अगर आप जूम करने लग जाओ तो फेस पे, स्किन पे, मतलब निशान से, पैचेस से, जिगजैग चीजें दिखने लग जाएंगी. ऐसा होगा, उतनी स्मूथनेस नहीं दिखेगी जितनी कि स्मॉल फोटो में दिख रही थी, पिक में. बड़ा करने से ज्यादा दिखने लग जाएंगी. अब ये सरफेस क्या है? इरेगुलर सरफेस होते हैं. कोई भी सरफेस उतना प्लेन नहीं होता. जब इसके ऊपर ऑयल या पानी गिरा, अब ये जिगजैग ऐसे था, ये वाला ड्राई केस है, और जब पानी या ऑयल गिरा तो ये जो स्पेसेस थी ना बेटा, ये सारी क्या हो गई? ये स्पेसेस सारी क्या हो गई? फिल हो गई. समझ आया? फिल हो गई. अब जब आप इसके ऊपर चलोगे, अब जब आप इसके ऊपर चल रहे हो, आपके शूज में तो इंटरलॉकिंग है बट नीचे वाला सरफेस प्लेन हो चुका है. आई बेटा बात समझ? क्योंकि नीचे सरफेस की जो इरेगुलरिटीज थी वो पानी गिरने से या ऑयल गिरने से या कुछ अनदर थिंग गिरने से वो फिल हो गई है इरेगुलरिटीज. तो जब आप उस सरफेस के ऊपर चल रहे हो तो सिर्फ आपके शूज से तो फ्रिक्शन आ रही है, बट नीचे वाला सरफेस प्लेन होने के कारण फ्रिक्शन नहीं, उतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है कि आप स्मूथली रन कर सको. तो ये फ्रिक्शन था क्या? अगर आप आगे की तरफ जाते हो, ठीक है, ये आप हो जो आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ जाती है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. हमेशा फ्रिक्शन विल वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो क्या ये कॉन्टेक्ट फोर्सेज है? आप हवा में तो पैर रख के नहीं चलोगे ना, ऐसे ऐसे पानी गिरा हुआ है, हम सारा हवा हवा में ही चल लेते हैं, नहीं ना. अब आप पेन की बात भी करो, आपके जो पेन होते हैं क्या उनमें फ्रिक्शन है? आप देखो, किसी का पेन अगर बहुत ज्यादा आगे से स्मूथ है, उसको बार 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 उसका हाथ ऐसे ऐसे स्लिप होता रहेगा पेन के ऊपर लिखते हुए, होगा कि नहीं? आपके पेन अगर आगे से, और आगे से अगर थोड़ा सा रफ हो, किसी किसी पेन पे चढ़ा होता है रबर का, वो कैप चढ़ा होता है रबर का होल्डर, तो वहां से पेन पकड़ने में आसानी रहती है ना. तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रबर के ऊपर आपके हाथ का होल्ड ज्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो गई है वहां पे, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई. जब बिल्कुल प्लेन पेन होगा वहां फ्रिक्शन कम होगी और आपका हाथ बार बार स्लिप करता रहेगा. राइट बेटा?
तो जो फ्रिक्शन होती है बेटा वो हमारे लिए अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों तरह से ही काम करती है। राइट बेटा, इज इट क्लियर? यस चलिए अब हम आते हैं बेटा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस पे। फर्स्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ इसके अंदर क्या है? ये नॉन कॉन्टेक्ट पक्का आता है? पक्का होता है ये नॉन कॉन्टेक्ट, या कॉन्टेक्ट में आकर यह काम करेगा? चलिए अच्छा, चलिए अब एक चीज देखिए जरा, मैं दिखा रही हूं आपको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ये देखो आपको दिख रही है पिन पड़ी, दिख रही है ब्लू वाली? हाँ जी विजिबल है, देखो यस ठीक है। अब ये आयरन की पिन है, ठीक है। अब ये मेरे पास है एक मैग्नेट, दिख रहा है सबको? यस पिन के पास देखो, इस पिन को मैंने इस मैग्नेट के साथ चिपकाना है, पिन और मैग्नेट दोनों चिपक जाएं, इकट्ठी कांटेक्ट में आ जाएं बेसिकली। तो क्या इस मैग्नेट को मुझे पिन के साथ अटैच करना पड़ेगा या दूर से ही काम चल जाएगा? देखते हैं। ये देखो टच करना पड़ा मुझे, नो ये देखो, ये देखो। नो तो ये कौन सा फोर्स हुआ हमारा? क्या इसके जैसे बकेट ऑफ वाटर उठाने के लिए आपको हाथ को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, बट क्या इसके लिए आपको मैग्नेट और पिन को कांटेक्ट में लाना पड़ा? नो पड़ा। तो ये बना हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ आई बेटा ये चीज? यस चलो अब इसके बाद हमने एक और फोर्स करना है बेटा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप खुद करोगे बेटा। अभी एक एक्टिविटी, आप छोटे छोटे से थोड़े से पेपर टियर कीजिए जरा, जल्दी से रफ कॉपी से, कोई थोड़े से पेपर जल्दी से, छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर कलेक्ट कीजिए। कंबाइंड करके कर लो, एक डेस्क पे एक बच्चा टियर कर लेगा। जल्दी जल्दी से, ठीक है। फिर एक स्केल लो, स्केल या पेन, एनी स्केल या पेन, एंड उसको हेयर्स पे रब करो अच्छे से, रब इट ऑन हेयर्स। कर लो कर लो, कर लिया कर लिया। चलो अब पेपर के पास, हाँ रब करके साथ ही साथ लेकर आओ। पेपर के पास लाओ, क्या हो रहा है ये, कुछ हुआ? यस, ऑयली ना हो हेयर्स बहुत ज्यादा, ये तभी होगा। अगर किसी के ऑयली हेयर्स हैं तो पार्टनर के सिर पे रब कर लो। चलो ठीक है, जनरली हम स्कूल्स में ऑयल लगाकर ही आते, तो करके देखो जरा जल्दी से, हो रहा है? हो रहा है, वेरी गुड। तो ये वेट वेट, लिसन मी नाउ, लिसन मी नाउ। अच्छा अब मुझे ये बताइए, क्या आपको पेपर्स को ट्रैक करने के लिए पेन या स्केल को उनको टच करना पड़ रहा है या दूर से हो रहे हैं? बताओ। हो मैम दूर से ही दूर से गए। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? कुछ तो फोर्स है ना, जब दो चीजें कांटेक्ट जुड़ रही हैं, तो इट मीन्स देयर इज सम फोर्स। एंड विच फोर्स इज दिस? कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? नॉन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। लेटर ऑन यू विल स्टडी व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि आप कुछ रब करते हो हेड पे या किसी क्लोथ पे तो वो पेपर क्यों अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ये थोड़ी सी देर बाद कमिंग चैप्टर्स के अंदर आपका ये टॉपिक आएगा, तो देयर वी विल स्टडी इट इन डिटेल्स। चार्जेस होते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेटा हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये जब हम रब करते हैं ना, तो
ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण ये जो पेपर्स हैं स्केल की तरफ या पेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, देखना जरा, देखते हैं होगा कि नहीं, क्योंकि काफी देर से पड़े हैं ना, क्योंकि चार्ज खत्म हो जाता है। आई एल सी की अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये देख रही हो थर्माकोल बॉल्स गिरी हुई है थोड़ी सी यहाँ पर। yes. चलो अब मैं आपके पास तो नहीं है, अब मैं अपने सिर पे रब करके देखती हूँ अगर हुआ तो, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि चार्ज अगर आ गया तो ये डेफिनेटली आप कुछ देखोगे इसके अंदर। ये देखो कुछ हिलती हुई दिखी आपको। yes. ये देखो ये वाली कितनी हिल रही है, ये देखो जा रही है ना, ये भागती हुई जा रही है। ये देखो मुझे टच करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कौन सा फोर्स हुआ बेटा, ये देखो हिल रही है ना सारी बॉल्स, ये तो बड़ी ज्यादा भाग रही है, इसको ज्यादा एलर्जी हो गई है खेल से, है ना। चलो ये देखो अकेली कहां तक पहुंच गई, साथ में रखी हुई थी ना, और कहां तक पहुंच गई है। तो ये फोर्सेस कौन से हैं बेटा, ये भी कौन सा फोर्स हुआ, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, और ये भी चार्जेस के कारण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप ये समझ आया सबको, ठीक है। अब जिसके घर में थर्माकोल बॉल्स होंगी तो खेल लेना थोड़ा सा, एक सर्कल बना के उसके अंदर बॉल डाल लेना, कि सर्कल से बाहर नहीं निकालनी हमने बॉल्स, ठीक है। कोई ग्लास रॉड हो, कोई स्केल हो, उसको रब करो ड्राई क्लोथ पे। अब अच्छा एक चीज इसमें आपने ऑब्जर्व की, जो आपके पास स्केल था और पेपर थे छोटे छोटे, वो तो अट्रैक्शन कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्ट हो रहे थे ना। थर्माकोल बॉल वाला अभी मैंने आपको दिखाया, सेम चीज मैंने रब की स्केल के ऊपर, जब पेपर्स के पास वो स्केल आया तो पेपर तो अट्रैक्ट हो गए, और थर्माकोल बॉल्स उसी स्केल से, सेम स्केल से हेड पे रब करने से ही वो क्या हो रही है, रिपेल हो रही है। मेरी सारी बॉल्स भाग गई हैं, अब सब में चार्ज आ गया, आधी गिर चुकी है डेस्क से, ठीक है। तो वो रिपेल कर रही थी, भाग रही थी ना स्केल से दूर। होता है जब अट्रैक्शन होती है ना बेटा, इट मीन्स एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब ये मैंने स्केल मैंने लिया टुवर्ड्स द थर्माकोल बॉल्स, तो ये थर्माकोल बॉल्स दूर भाग रही थी सारी, क्योंकि यहां पर भी सेम चार्ज और यहां पर भी सेम चार्ज, दोनों बॉडीज के ऊपर सेम चार्ज। तो यहां से आप एक और सौ चीजें समझ सकते हो, जब दो ऑब्जेक्ट पे सेम चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेंगे, समझ आई बेटा ये चीजें, क्लियर। चलिए सब अब हमारा इसमें लास्ट हमारा एक फोर्स रह गया करने वाला, कर लेते हैं बेटा, फिर वर्कशीट हमारी पूरी हो जाएगी आराम से, मे बी तब तक आपके पास वो वर्कशीट मिल भी जाए आपको, एंड मीन टाइम हमारा ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द वर्कशीट इन द नेक्स्ट क्लास, तो पूरा अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा फोर्स, हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा रह गया बोलो। चलो दो कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक वैसे मैंने आपको दिखा दिए, वो पिन वाला देख लिया ना, मैग्नेटिक फोर्स वो पिन वाला, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अच्छा अब yes. अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है या मैग्नेटिक फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है? ग्रेविटेशनल। जस्ट रेज योर हैंड्स जो जो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब आधी से ज्यादा क्लासेस न्यूट्रल वाली है ना, यस और ना नो, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है या ग्रेविटेशनल, नहीं पता, ग्रेविटेशनल मैक्सिमम बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल है ना। ए टी गर्ल्स पूरी रो का हैंड डाउन है, किसी को नहीं पता,
नहीं पता। चलिए चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। नाउ आफ्टर दैट यू जस्ट टेल मी विच फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, आपको पता लगेगा। चलिए ये देख रहे हो स्टैंड, यस कुछ लटका हुआ दिख रहा है इसमें, क्या यस दिख रहा है? अच्छा ये नेल को मैं अगर ऊपर करूं, ये थोड़ा सा इधर, अभी देखना प्रॉपर विजिबल है ना, सब कुछ दिख रहा है ना इसमें। अच्छा अगर मैं इस नेल को ऊपर करूं तो क्या अब ये ऊपर ही रहेगा? ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आया। और ये नीचे ही क्यों आया? सिर्फ नीचे ही क्यों आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक चीज देखना, इसको मैं फिर कर रही हूं, ये ऊपर किया, श्योर ना नीचे ही आएगा? ऐसे तो नहीं चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा है ना, ऐसे ही आएगा ये। अब एक दे चीज देखना, अब मेरे हाथ में है मैग्नेट, क्या है मेरे पास? अभी आप कह रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है, अब हम चेक करते हैं, अगर ये पिन मैग्नेट की तरफ जाती है तो इट मींस कौन सा फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा ना? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है तो वो तो इसको खींच के रखेंगे भी, नीचे ही रहे, जाना नहीं है कहीं पे। और मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग हुआ तो वो उसको अपने साथ ले जाएगा। अब देखते हैं, ये देखो अब ये नीचे आ रही है, मैग्नेटिक कौन सा फोर्स स्ट्रांग? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर मैं इसको मैग्नेट से हटा दूं तो नीचे जाती है, अगर ना हटाऊं तो देखो अभी क्या कर रही है, जा रही है ना मैग्नेट की तरफ। अगर देखो और कितनी दूर से जा रही है, ये देखो कितना दूर है और दूर से आ रही है, ये देखो। तो अगर ये मैग्नेट की तरफ आ रही है अर्थ की तरफ ना जाकर, तो इट मींस मैग्नेटिक फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आया बेटा समझ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्रेविटी के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं ना, तो इसलिए हमें लगता है ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है, बट नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमारे मैग्नेटिक फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है। कहीं से भी करके देख लो, ये हमेशा मैग्नेट की तरफ ही भागेगा, ये देखो है ना। तो इट मींस मैग्नेटिक फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर और वीकर? स्ट्रॉन्गर। ये स्ट्रॉन्गर समझ आया बेटा आज सबको? तो दीज आर द एक्टिविटीज फॉर टुडे। तो आई होप ये आपको एक्टिविटीज समझ आ गई होंगी सारी, और आपको चैप्टर की भी अब क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो, मैंने बहुत ज्यादा थ्योरी पार्ट नहीं करवाया क्योंकि वो स्कूल में आपकी क्लास में हो जाएगा करते करते, स्टिल अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप बता दो बेटा कुछ पूछना है तो। चलिए चल थोड़े से क्वेश्चंस देखें जल्दी से, पर आपके पास वर्कशीट्स नहीं है ना? यू डोंट हैव द वर्कशीट्स ना? अच्छा फोर्स मुझे बताइए क्या क्या काम करता है। मैं आई एम आस्किंग द ऑप्शंस, व्हाट फोर्स कैन डू? कैन फोर्स मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव? यस, कि वो स्टेशनरी मतलब एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन इट चेंज? इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन इट? अच्छा कोई मुझे एग्जाम्पल दो, आई एम जस्ट आस्किंग अ नेम जो मुझे आके एग्जाम्पल देगा शेप और साइज चेंज होने की। कौन सी क्लास की टर्न नहीं आई थी अभी तक? आई थिंक 8C की टर्न नहीं आई, 8D की, वृंदा, 8C, 8D, सॉरी वृंदा प्रेजेंट है वो? आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। टेल मी कोई सिचुएशन एनी एग्जांपल इन विच फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचो सोचो जरा, डेली लाइफ में कितना कुछ करते हो फोर्स लगाने से जिससे शेप और साइज चेंज हो जाता है?
एक सांस में 10 एग्जाम्पल बोली जा सकती हैं। ए में तो बड़े हैंड्स रेज्ड हैं, वेरी गुड। ए टी में भी, वृंदा को नहीं पता बस। हां जी वृंदा जी जल्दी बताइए। अब जब वृंदा अपना सिर पकड़ेगी जब इसको एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगी। ओहो इतनी इजी एग्जाम्पल्स थी। चलिए एक थे यहाँ जी बेटा, आप जो फर्स्ट बेंच पे बैठी हो जल्दी से बताइए। एट है की तो साउंड की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, एट है की तो साउंड ही नहीं आ रही है। वृंदा चले एट सी किससे पूछे हम, किरतवीर आ जाओ जल्दी से। मैं स्प्रेइंग स्प्रेइंग क्या स्प्रे कर रहे हो आप? स्प्रे करने से शेप एंड साइज कैसे चेंज हो रहा है, कैन यू एक्सप्लेन? मैम बाय फोर्स। नहीं नहीं स्प्रे किस चीज को बोल रहे हो आप? मैम स्प्रिंग। स्प्रिंग ओके ओके स्प्रिंग। हाँ तो देखो उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाते हैं, क्या दबाते हो तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है फोर्स लगाने से। वेरी गुड। हाँ जी एट ई आइए कोई भी फटाफट जल्दी से, कौन आएगा एट ई? क्ले। क्ले वेरी गुड। क्ले से क्ले हो गया, और बताओ जल्दी से आपके स्कूल बैग का साइज चेंज होते हैं आपके? अच्छा मुझे एक बताओ क्या आपके स्कूल बैग का साइज चेंज होता है जब आप ज्यादा बुक्स भर लो उसके अंदर, होते हैं? थोड़ा सा मोटू मोटू हो जाता है ना वो, और जब कम बुक्स हो तो पतला पतला हो जाएगा, तो वो भी फोर्स लग रहा है। बुक्स उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाती है, जब ज्यादा हो जाती है तो वो ठीक है। चलिए समझ आ गया बेटा इतना सबको? समझ आया? yes. चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके बच्चा बाय 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 बाय।